तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? ऐसा वैसा करता हूँ, सब बढ़िया ही होगे। मिरर वगैरह थोड़े अंदर कर लिए जाएँ कि बाहर ही रखूँ? एक मिरर खोल देते हैं। और सुनाओ दोस्तों, क्या हाल चाल है भाइयों? आज काफ़ी टाइम बाद में ब्लॉग कर रहा हूँ, एक्चुअली मोटर ब्लॉग कर रहा हूँ। कसौल वाली सीरीज आप लोगों ने नहीं देखी तो भाई देख लो, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ओहो एक सेकेंड, धूल धूल इतनी हो रही है भाई। कसौल वाली सीरीज़ के बाद मतलब ये लगा लो मेरा पहला ब्लॉग आई थिंक उसके, मतलब एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, मैंने अपने रेडिएटर के लिए जो लगाई थी बाइक में उसकी डाली थी। कीड़े नहीं यार, इस वजह से मैं हेलमेट खोल के ब्लॉग नहीं करता भाई। बड़ा स्ट्रगल है यार, हेलमेट खोल के से मैं ब्लॉग करूँ ना, बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। चलो धीरे धीरे बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था भाई, रेडिएटर ग्रिल मैंने लगाई थी बाइक में अपनी, अगर नहीं देखी तो देख लेना। कस्टम रेडिएटर ग्रिल है, वो नॉर्मल वाली नहीं है, उसमें GST लिखवा रखा है मैंने, जो कि मुझे मिली थी केशन कस्टम से। तो आई थिंक वो प्रीवियस वाली वीडियो ही होगी, चेक कर सकते हो दोस्तों और मंगवा सकते हो काफ़ी रिजनेबल रेट में। और मेरा नाम ले दोगे, GST बोल दोगे तो फिर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा चेंजेस देख पा रहे हो, ये जो विंगलेट है ना, ये वाला मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था अगर आपको पता हो तो उसमें निकल गया था। उसके बाद कसौल में मैंने थोड़ा बहुत चुपका चुपको एक काम चला लिया था, बट उसके बाद भी दिक्कत हो गई तो निकल ही गया वो अपना, अभी झड़ गया तो दोस्तों फिर मैंने इस बार ही मंगवाए कार्बन फिनिश वाले, कार्बन फाइबर फिनिश वाले विंगलेट्स मंगवाए थे मैंने। तो जैसे मैंने एक कार्बन फाइबर लगा रखा है, एक नॉर्मल वाला है, इसे तो मेरा बेवकूफ़ी भी कह सकते हो, बट या कोई नहीं चलता है। एक्चुअली क्या यार, दूसरे वाले को निकालना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने अच्छे से वो फिक्स करा हुआ है, तो दिक्कत ही होगी निकालने से। उसे फेयरिंग ख़राब हो सकती है, फेयरिंग पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो वही अपना आप अगर निकल जाएगा तो अच्छी बात है, वरना कोई बात ही नहीं है दोस्तों। ओके, और इस समय तो मौसम देख ही रहे हो, मैं जा रहा हूँ सेक्टर 18 की तरफ। तो यार बेहतरीन मौसम, और जब मौसम बेहतरीन होता है तुम्हें पता ही भाई, मैं बाहर निकले बिना रह नहीं पाता हूँ। एक्चुअली कुछ काम भी था थोड़ा सा मेरे को, इस वजह से भी जा रहा हूँ। तो यार इंजॉय करो दोस्तों ब्लॉग को, और अच्छा लगा तो भाई वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और थोड़ा दोस्तों का शेयर करा करो यार, ऐसे कैसे कर रहे हो? वो देख रहा था भाई साहब, एक से एक बढ़िया बाइक लॉन्च हो रही है यार, कंटेंट ही कंटेंट आ रहा है दोस्तों, सच बताऊँ तो। और भाई RC का जो नया लाइनअप आ रहा है वो तो बढ़िया लगा ही लगा। इवन भाई यामा R15 जो आ रही है, V4 और R15 M, माई गॉड M तो यार अल्टीमेटली लग रही है भाई, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों वही है यार, मैं सोच तो रहा हूँ कुछ बाइक वाइक चेंज करी जाए। ओ ओ इजी, अबे भैया ब्लॉक करते समय थोड़ा सा हो जाता है। R1M में तो यार मतलब ये लगा लो आप 2 लाख में, 2 लाख ऑन रोड पड़ेगी जहाँ तक है वो, चिंता मत करो। कुछ दिनों उसकी वीडियो आ जाएगी, ऐसे शोरूम पे आती है वो, उसकी वीडियो आ जाएगी दोस्तों चैनल पे, सो स्टे ट्यून। और RC तो ऑब्वियसली यार आनी है, तो उसे तो कवर करना ही है, उसे तो मैं छोड़ने का ही नहीं हूँ, उसकी तो पूरे लाइनअप को अच्छे से कवर करेंगे। तो भाई मैं ये बता रहा था आपको, 2 लाख में यार R1M में आपको, R15 M में क्या, R15 V4 में भी सब कुछ मिल रहा है भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको, ठीक है, क्विक शिफ्टर मिल जाता है, मतलब भाई ये सब फीचर मतलब कितने सस्ते कर दिए यार यामाहा ने। जैसे RC ने भी काफ़ी सारे फीचर दिए हैं, जैसे क्विक शिफ्टर वगैरह उसमें भी है, और आपका इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार है, एडजस्टेबल हैंडल बार भी है उसमें, बट वो 390 में दे रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, अभी तक मुझे जहाँ तक पता चला है। बट भाई R15 पर मुझे लग रहा है इस बारी धूम मचाने वाली है, मार्केट पूरा कैप्चर कर लेगी वो। फिर R625 का तो खरीदेगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, मैं खुद नहीं खरीदूंगा। हो पहुंचने ही वाले हैं, अट्टा मार्केट आने वाला है, सामने वाली बिल्डिंग तो मैं तो शायद नहीं दिख रही होगी अभी,
काफ़ी फेमस बिल्डिंग है नोएडा की, सेक्टर 18 वाला एरिया, मतलब इस बिल्डिंग को देख के पता लग जाता है कि हाँ भाई 18 वाला एरिया आ गया है। तो जो लोग मेरे लोकल भाई उन्हें शायद पता होगा भाई ये DLF वाला एरिया है, DLF और ये आपका वर्ल्ड ऑफ वंडर भी यहीं पे ही है। तो एक टाइम पर आया करते थे दोस्तों यहाँ पे, अब तो मेरा काफ़ी आना कम हो गया है यहाँ पे, मैं भी काफ़ी टाइम बाद ही आ रहा हूँ यहाँ। और ये देख रहे हो पीछे, ये भी भाई केशन कस्टम से मिला मेरे को, काफ़ी सही लग रहा है। आप लोग काफ़ी कहते थे कि भाई किचन लगा लो अच्छा नहीं लगता है, तो वो काम भी हो गया हमारा। बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, और भाई iPhone 13 भी लॉन्च हो गया है दोस्तों। पुलिस वाले खड़े हैं साइड में, ले लेते हैं फोन पर। भाई चेकिंग इतनी क्यों हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मैं अपने घर से निकला था तब भी काफ़ी चेकिंग हो रही थी। खैर चलो कोई नहीं। तो दोस्तों ये है ब्यूटीफुल नोएडा सेक्टर 18 वाला एरिया, तुम देख रहे हो सामने की प्यारी लगती आ रही वाली बिल्डिंग, कॉर्पोरेट बिल्डिंग आई थिंक, रेजिडेंशियल तो है नहीं, रेजिडेंशियल है जो भी है, मतलब अच्छी लगती है, कहना मतलब ये है बढ़िया। तो मैं कह रहा था iPhone 13 में लॉन्च हो गया है, तो काफ़ी प्रेशर है इस समय मेरे पे, क्या क्या करा जाए। एक्चुअली मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ फ्यूचर प्लान्स के लिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा अपना आपको सेटअप कर रहा हूँ एक तरीके से, उस पर भी लगा हुआ हूँ मैं, इस वजह से थोड़ा सा ब्लॉग ना लेट आ रहे हैं भाई, दो दिन में एक आध ब्लॉग आएगा, क्योंकि मैं क्या है मेरा एक्चुअली बाहर निकलना काफ़ी कम हो गया है इस वजह से ना, जब बाहर बाहर निकलते थे तुम्हें पता ही भाई बढ़िया बढ़िया लोग आते ही थे दोस्तों। सो हियर इट इज़ सेक्टर 18 वाला एरिया आ गया है, सेक्टर 18 इधर चले जाओगे तो नोएडा गेट एंड नोएडा वाली रोड आ जाती है। तो यार दोस्तों अब करते हैं भाई यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, थोड़ा कुछ ज़रूरी काम निपटाते हैं अपना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में। एक सेकंड रुको यार, यहाँ पुलिस वाले ना हो बड़ी समस्या है यार, कई बार मेरा मन करता है एक्शन कैमरा ले ही लूँ, क्योंकि पता है क्या फ़ोन थोड़ा सा यार अलग ही दिखता है, प्लस पुलिस वाले भी थोड़ा टोकते हैं फ़ोन को देख के ना। तो यार दोस्तों मिलते हैं आपसे, थोड़ा भीड़ वाला एरिया आ गया है यहाँ पर, थोड़ा मज़ा नहीं आएगा ब्लॉग करने में, मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। दिल देना आपको करना है भाइयों, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग स्टडी इनटू GF2। बाय बाय भाइयों। छिप छतुर दिया फेम अजकल आउंदा है सतारा विच नेम अजकल, तेरे करके गाने साडे नहीं चलते, लंडू लाउंदे मेरे ते बले अजकल।